उच्चतम न्यायालय ने नौकरशाहों को तय कार्य अवधि देने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को 3 महीने के भीतर आदेश पारित करने का दिया निर्देश। कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नौकरशाही की कार्यक्षमता में गिरावट की एक बड़ी वजह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। मोहम्मदपुर गांव में कल हुई घटना में हुई 4 लोगों की मौत। हिंसा की घटना में 1 के घायल होने की भी खबर। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में हुई ताजा हिंसा पर बोलते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्दोषों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून और व्यवस्था मुकुल गोयल ने मुजफ्फरनगर हिंसा के संबंध में कहा कि वहाँ स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है। कहा दोनों पक्षों के बीच फैले मनमुटाव को दूर करना जरूरी। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका को किया खारिज। लालू की जमानत याचिका पर कल अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने दी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किया गया सम्मानित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती आज। आजाद भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष को कृतज्ञ राष्ट्र दे रहा है श्रद्धांजलि। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 131 अंक की बढ़त के साथ 21,165 पर हुआ बंद, तो निफ्टी में भी 47 अंकों की बढ़त 6,299 पर हुआ बंद। क्यूबा की द्विपक्षीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से की मुलाकात। दोनों देशों ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर भी एक समझौता किया। इसके अलावा हामिद अंसारी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली के सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन भी किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शिखर धवन की वापसी। कंधे की चोट के चलते रविंद्र जडेजा की जगह पर अमित मिश्रा को दी गई जगह। वहीं जहीर खान, हरभजन सिंह और युवराज सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया।